Tate, cum am văzut la filmul ăla? De asta are. अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का ख़ास करम हो, आमीन। इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं नमाज़ पढ़ के घर से रवाना हो गया हूँ। मैं जा रहा हूँ अपनी नानी अम्मा के घर। तो मैंने कहा जा के नानी अम्मा को अपने घर ले आता हूँ। उनकी तबीयत सही नहीं थी। मैं पहले भी कुछ दिन पहले उनको लेने के लिए गया था, लेकिन उनके घर उनके मेहमान आए हुए थे, तो इसलिए वो मेरे साथ नहीं आई। उन्होंने कहा था कि आप एक दो दिन बाद आकर मुझे ले जाना। तो मैं दो दिन बाद जा रहा हूँ नानी अम्मा को लेने के लिए, और वहाँ जाकर सबसे मिलते भी हैं। विलेज का आपको खूबसूरत व्यू भी दिखाते हैं, और जो सुबह का नाश्ता है वो भी नानी अम्मा के घर ही करेंगे, नानी अम्मा के साथ बैठ कर। बहुत मज़ा आने वाला है। हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, और मज़े के बाद मैं अपने व्लॉग का आगाज़ भी विलेज में ठहर कर कर रहा हूँ रास्ते में। तो मैंने कहा मैंने घर से आगाज़ नहीं किया, मैंने कहा क्यों ना रास्ते में जाके अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ और विलेज का खूबसूरत मंज़र आपको दिखाऊँ। और ये इसे तो कहते हैं हमारी ज़बान में कस्सी, आप इसे नाला समझ लें, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ पानी है, ट्यूबवेल का या नहर का। ये जो गंदा नालियों वाला नहीं है पानी। और ये सारे गन्ने के खेत, माशाल्लाह देखें पीछे दरख्त, और ये रास्ता है कच्चा रास्ता मिट्टी का। बहुत ही दिलकश नज़ारा है, खूबसूरत मंजर है। और मेरी इस साइड पे यहाँ पर ये छोटे छोटे जो हैं ये चावल हैं। तो और चलते हैं नानी अम्मा के घर, और वहाँ जा के सबसे मिलते हैं, गपशप करते हैं। जल्दी से जाऊँ कहीं नाश्ता वो लोग कर ना लें, और फिर मेरे लिए उनको अलग से बनाना पड़े, इसीलिए टाइम पर पहुँचे हैं, उनके साथ बैठ कर नाश्ता करते हैं। नानी अम्मा, ये दूध उठाया इन्होंने, अभी आई है। देखो नानी अम्मा सुबह सुबह कितनी प्यारी लग रही है। नानी अम्मा सोने लगते बैठे हुए। हाँ डे मरण लाल सोने लगते में को सागु कहना ही कांडा शादी दा। हाँ कांडा कहने अगर ये तो डाय रात आया बना पप्पा आज हम दर कहनी जा जा लंग गए। अच्छा नानी मैं तैयारी करो। हाँ करे नहीं पिया जुल्ला बात तो गिनना है बैठा। क्या अंधा रुत्ता यहाँ ही कहे ना डाडी अंधा रही है। कल मौसम बहुत खराब था, आंधी थी, तो नानी मैं पूछ रही है कि आपके पास भी आंधी थी या नहीं। इतना है तूफान आई मरना ले हाथ से आंधी का तूफान था। नानी मैं क्या रही हैं। अच्छा नाश्ता के रिश आया माई नाश्ता सारे कने करे सा आज। हां नाश्ता अंडा मक्खन लस्सी दरे ठीक है लस्सी मक्खन और तंदूर की रोटी माशाल्लाह। तो ये नाश्ता करेंगे नानी और मैं साथ में बैठ बहुत ही मजा करेंगे। साबिर मामू गिरेगा है। साबिर मामू छप्पर से बैठा बंदा है ओ सारा दे रेडी सिक्की रहा लग रहा है बेले पार। मामू मेरे इधर काम कर रहा है, ईंटे उठा रहा है मैंने पता। तो जी ये लस्सी बन रही है, इसमें मक्खन भी निकलेगा। हो नाना मैं बन गया। ये जिन माशाल्लाह नानी अम्मा नाश्ता आगे रख के बैठे है, मेरा ये लस्सी, ये अंडा और ये मक्खन, ये तंदूर की रोटी, ये भी मक्खन के साथ। यार ये तो लोरी का मक्खन जैसा लगता है।
सरमंद विलाग बहुत नुकसान हो गया। फुल डे तो जी माशाल्लाह मैंने नाश्ता कर लिया है और नाश्ता बहुत ही मज़े का था, टेस्टी था, फुल पेट भर के किया है, बहुत ही अच्छा लगा है नानी अम्मा और नाना अबू के साथ बैठ कर नाश्ता करने में। और देखें सुबह सुबह विलेज में लस्सी, मक्खन और अंडा, बहुत ही मज़ा आया, और ताज़ा ताज़ा तंदूर की रोटी। और जिन लोगों ने अभी तक ऐसा नाश्ता नहीं किया तो एक दफ़ा यार लाजमी ट्राई करें, ऐसा नाश्ता करके देखें, बहुत ही मज़ा आता है और सुकून मिलता है इंसान को। और मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, बहुत ज़्यादा, और अब नानी मैं कहता हूँ कि वो तैयारी करें और फिर घर जाएं, क्योंकि जैसे ही सूरज निकलता आएगा गर्मी बढ़ती जाएगी तो फिर मुश्किल होगा जाना, इसलिए हम जल्दी अभी ठंडा मौसम है तो घर जाते हैं वापस। अच्छा यहाँ पर ना ये आए हैं फेरे वाले भाई, तो ये चीज़ें ले रहे हैं नानी अम्मा। क्या कहते हुए नानी अम्मा, क्या कहते हुए इतो, क्या गिधे वे इतो, क्या गिधे वे प्याले और ये छुआरे लिए नानी अम्मा ने, मुझे भी दिया एक। उनके ये बच्चे घर का कबाड़ इकट्ठा करके बेच रहे हैं। ये नानी मैंने तीन प्याले लिए हैं तो नानी अम्मा माशाल्लाह रेडी हो गई हैं, बहुत प्यार लग रही हैं। तैयार थी क्या नानी अम्मा? ये सामान है सारा, दूध की बोतलें, इन्हें क्या है, अंडे, अंडे लस्सी और दूध की बोतलें। तो फिर चलते हैं घर। मैं गुरे मैं चना ये मैं गुरे ये आधे चराक बाबा। नानी अम्मा नानी अबू से इजाज़त ले रहे, कह रहे कि मैं जा रही हूँ। जी जी अब हो। अच्छा तो जी अब हम जा रहे हैं घर वापस, और आज कल इतने था जो मैंने आप सब दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी, और मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे कि वो दोस्त जो मेरी वीडियो पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप देख सकें। ओके जी इंशाल्लाह तो मिलेंगे, और आज के व्लॉग का यहीं करते हैं एंड, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। ओके जी अल्लाह हाफिज़।